आज मैं लेकर आई हूँ पूरे महीने का शानदार डाइट प्लान, जिसको फॉलो करके आप बेहद अच्छे, अमेजिंग, एकदम बढ़िया रिजल्ट्स पा सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है उन सभी लोगों पे जिन्होंने मेरा वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करा और जो अभी शायद वेकेशन से आए हैं, बाहर घूम के आए हैं, और तो और जो लोग नहीं भी गए बाहर घूमने, उनके घर में बच्चे हैं या फिर घर पर ही छुट्टियां बिताते बिताते वेट पुट ऑन हो गया। क्योंकि जब हमें पता है कि छुट्टियां चल रही हैं तो सब अपने टीवी के आसपास ही रहते हैं और खाते पीते वेट पुट ऑन हो ही जाता है। तो अगर पुट ऑन हुआ है तो आपका फ़र्ज़ है अभी के अभी इसी मंथ का डाइट प्लान फॉलो करके जल्द से जल्द अपना वेट लूज़ कर लीजिए, क्योंकि उसी से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। भाई आगे त्योहारों का मौसम भी आना है, पतले होना है कि नहीं, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं कि आपके पास भी वही जादुई छड़ी होती जो इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के पास है। जब ये वेकेशन पे जाती हैं तो बिल्कुल भी वजन पुट ऑन नहीं होता, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा नहीं होता। वेकेशन पे जाने से पहले भूखे रहो अच्छा दिखने के लिए, फिर वेकेशन से आने के बाद फिर से भूखा रहो वही पुट ऑन वेट लूज करने के लिए। हमारे साथ यही सब गड़बड़ होती है, लेकिन अगर हमारे हाथ वही जादुई छड़ी लग जाए जो इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के पास है तो कितना अच्छा होगा। जल्दी से गेन हुआ वजन जल्दी से लूज करने की एक तरकीब है मेरे पास में, वही डाइट प्लान जिसको बहुत सारे लोग फॉलो कर चुके हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स पा रहे हैं, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फिजिकली शायद वेकेशन पे नहीं गए होंगे, लेकिन फिर भी मेंटली पूरी तरह से छुट्टी ही मना रहे थे, अपनी मन मौजी कर रहे थे, जो मन में आ रहा था खा पी रहे थे यही सोच के कि छुट्टियां चल रही हैं। लेकिन जब छुट्टियों के बाद आपको ऑफिस जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है या फिर बच्चों के स्कूल जाना पड़ता है उनकी पीटीएम अटेंड करने, तब सब देख के आपको बहुत चक्के रह जाएंगे और बोलेंगे आपने इतना वेट कैसे पुट ऑन कर लिया। तब बहुत ही शर्मिंदगी होती है, तब आपके काम आएगा ये वाला डाइट प्लान जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें सुबह से लेकर रात तक का पूरा डिटेल में एक ब्यौरा दिया गया है, जिसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि बड़ा ही आसान है। घर की बनी हुई चीज़ों से आसानी से कैसे आप वजन लूज कर सकते हैं, खाते पीते पूरे दिन में भूखे नहीं रहना। अब बताइए कितना मज़ेदार डाइट प्लान होगा ये। इसको पूरे अंत तक देखिए, इस वीडियो में बने रहिए जानने के लिए कि अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक से लेकर के नाइट ड्रिंक तक कौन सी वाली ड्रिंक आपने लेनी है ताकि अच्छे खासे वेट लॉस रिजल्ट्स मिले। मैं तो अब वेट नहीं कर सकती आप लोगों को इस डाइट प्लान के बारे में बताने के लिए, जल्दी से आइए ये वाला डाइट प्लान शुरू करते हैं। पूरे हफ्ते में होते हैं 7 दिन, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 और 3 यानी कि ऑड और इवन डेज में। ऑड डेज यानी कि आप लेंगे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को एक जैसी डाइट। इवन डेज यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को आप लेंगे एक जैसी डाइट। तो अब ऑड और इवन के चक्कर में आइए शुरू करते हैं जल्दी से अपना ये वाला मज़ेदार, शानदार, एकदम ऑसम, लाइफ चेंजिंग, गेम चेंजर डाइट प्लान। लेकिन डाइट प्लान शुरू करने से पहले, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी है, मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत तो बनती है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वही वाला डाइट प्लान जिसको ट्राई एंड टेस्ट करके बहुत सारे लोगों ने अमेजिंग रिजल्ट्स पाए हैं और आप भी बहुत जल्द पाने वाले हैं। सिर्फ दूरी है या देरी है तो आपके इस लाइक के बटन को दबाने की, और शुरू हो जाएगा ये वाला डाइट प्लान। तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो इस डाइट प्लान में सबसे पहले आपने सुबह सुबह उठते ही लेना है एक अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि शानदार, मज़ेदार, इस सीजन में आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स, क्लेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये है सफ़ेद पेठे का जूस, जो कच्चा पेठा होता है, जो बाहर से हरे रंग का होता है अंदर से सफ़ेद, यही वाला आपने पेठा लेना है, जिसको सीताफल भी कहा जाता है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इसका आपने जूस लेना है, तकरीबन 100 से 200 ग्राम की क्वांटिटी में आपने पेठा लेना है और उसका जूस निकालना है थोड़ा सा पानी डाल के। तकरीबन 100-200 ml तक एक ग्लास में ये जूस भरिए, सुबह सुबह इसको ग्रहण करिए और फिर देखिए अमेजिंग रिजल्ट्स। आपका वेट ऐसे कम होगा बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये आपके शरीर को क्लेंस, डिटॉक्स और तो और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ावा देगा। ये है लोडेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से, जो आपके शरीर से पुराना जमा मल, सारी गंदगी निकाल के बाहर फेंकने में बहुत ज़्यादा मददगार है। ये आपने ऑड और इवन दोनों डेज पर ही लेनी है, लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप ले सकते हैं 2 ग्लास गुनगुना गर्म पानी, सिप करके आपने पीना है, एकदम से जल्दी जल्दी नहीं पीना, बैठ के आराम से एक नाम से
पानी को सिप करके पीजिए। अब ये तो हुई मॉर्निंग ड्रिंक की बात, आइए बढ़ते हैं नाश्ते में, देखते हैं क्या क्या है। ऑड डेज पे आप ले सकते हैं क्यूकम्बर सैंडविच, इसके अंदर प्रोटीन का बड़ा ही अच्छा सोर्स यानी कि पनीर है। अगर आप चाहें तो ये वाला सैंडविच ले सकते हैं, नहीं तो जल्दी से ये वाली रेसिपी देख लीजिए, फिर दो ऑप्शन और दूंगी मैं आपको। आइए मेरे किचन में ये वाली रेसिपी देखते हैं। आइए अब नाश्ते में बढ़िया सा सैंडविच बनाना सिखाती हूँ आपको, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं क्रीमी सी फिलिंग की, जो बनाई जाएगी पनीर की, और साथ में हम लेंगे दही। पनीर भी घर का बना हुआ है लो फैट दूध का, साथ में इसमें डाल देंगे 3 दाने तक लहसुन, जिसको अच्छे से हमने ड्राई रोस्ट करा है बिना किसी घी तेल के। ये बढ़िया से क्रीमी सा जो हमारे पास टेक्सचर की फिलिंग आई है, इसके अंदर डाल देंगे चुटकी भर नमक और काली मिर्ची का पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब लेंगे आटा ब्रेड। आटा ब्रेड जो है वो बहुत ही अच्छी होती है, जिसमें वीट का कंटेंट ज्यादा होता है, आप लोगों ने व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना। अब 1 से 1.5 बड़ा चम्मच तक ये वाली फिलिंग लगा देंगे ब्रेड की स्लाइस के ऊपर, और इसके ऊपर खीरे की स्लाइसेस को बिछा देंगे। मैंने यहाँ पे खीरे की स्लाइसेस को पतला पतला काटा है, आप चाहें अपने मन मुताबिक काट सकते हैं। अब ऊपर से 1 स्लाइस और डाल देंगे, फिर से वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। अब पहला ऑप्शन तो आपने देख लिया, आइए मैं दिखाती हूँ आपको दूसरे ऑप्शन में। आप ले सकते हैं अंडा और टोस्ट, आप चाहें तो 2 या 3 एग वाइट हार्ड बॉयल ले सकते हैं, उसका सैंडविच बना सकते हैं 2 ब्रेड की स्लाइसेस के साथ में, या फिर आप ले सकते हैं पनीर और सब्जियों का सैंडविच। लेकिन जिन लोगों को ब्रेड खाना पसंद नहीं है तो आप ले सकते हैं यहाँ पर पोहा। पोहा जब आप लेंगे तो उसके अंदर आपने पोहा का इस्तेमाल करना है तकरीबन 30 ग्राम, उसके साथ में आपने लेना है या तो स्प्राउट्स या फिर कोई भी ऐसी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन जैसे कि पीनट्स हैं, वो आप लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपका पेट भी भरा रहेगा। भाई ये देखते हैं इवन डेज पे नाश्ते में क्या क्या लेना है आपने। इवन डेज पे आप ले सकते हैं चीला, उत्तपम, परांठा या फिर इडली, लेकिन बनी होनी चाहिए ओट्स से। ओट्स की बनी हुई जो पदार्थ है या फिर जो भी आप इंग्रेडिएंट ले रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिच है फाइबर में और प्रोटीन में, या ओट्स एक बहुत ही बेनिफिशियल ग्रेन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसीलिए मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ओट्स और पालक का चीला। जल्दी से आइए मेरे किचन में ये वाली शानदार रेसिपी देखते हैं। इस चीला को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे स्प्राउट्स, जो कि हरी मूंग की दाल के बनाए गए हैं घर पर ही। इसको हमने खुरदरा टेक्सचर होने तक ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफर करेंगे और हम इसके अंदर डालेंगे बारीक बारीक कटी हुई पालक अच्छे से धोने के बाद में। फिर हम डालेंगे गाजर कद्दूकस करी हुई और हम लेंगे प्याज। फिर हमने डाला है इसके अंदर हरी मिर्ची और अदरक, आप चाहें तो अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, चुटकी भर नमक, हरा धनिया, साथ में डालेंगे हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर। थोड़ा इसको और ज्यादा मसालेदार बनाने के लिए हम डाल रहे हैं यहाँ पर धनिये का पाउडर, गरम मसाला, और मैं ले रही हूँ 1.5 बड़ा चम्मच ओट्स का पाउडर। ये जो ओट्स का पाउडर है सुपर फूड है, साथ ही साथ बाइंडिंग एजेंट का भी काम करता है। बहुत ही कम पानी ऐड करेंगे इसको, बहुत ज्यादा गीला टेक्सचर का नहीं रखेंगे। अब एक नॉनस्टिक पैन लेके उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, साथ में इस मिक्सचर को बिछा देंगे। एक गोल आकार में इसको तब्दील करके, और ये लीजिए ये वाला चीला दोनों तरफ से पक के बिल्कुल तैयार है। देखा आपने दोनों दिन में कितने कम समय में कितनी मजेदार शानदार नाश्ते के ऑप्शंस दिखाए हैं मैंने आपको। और अब समय हो चला है मिड मॉर्निंग का, मेरी घड़ी में बज रहे हैं 11 और ये राइट टाइम है आपका अपने फ्रूट्स लेने का। लेकिन फ्रूट्स भी आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही ले सकते हैं, तकरीबन 200 ग्राम तक आपको अलाउड है, लेकिन वैरायटी भी आपके पास रिस्ट्रिक्टेड रहेगी इस पूरे महीने में। चिंता मत करिए, बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आप लोगों के पास एप्पल का, एक पूरा एप्पल खाइए अच्छे से धो के छिलके के साथ में। दूसरा ऑप्शन आपके पास है एक बोल भर के पपीते का। तीसरा ऑप्शन आपके पास है वाटरमेलन का, इससे पहले कि इसका सीजन चला जाए इसको खा लीजिएगा। चौथा ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ जामुन का या फिर आलू बुखारा का। इन दोनों फ्रूट्स को भी अच्छे से खाइए, ये सीजनल है, बहुत ही अच्छे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। 11 बजे के टाइम कुछ और नहीं, पैकेट खोल के नमकीन नहीं, फ्रूट्स खाने हैं आप लोगों ने। तो राइट टाइम है आप लोगों का लंच करने का 1:30 और 2 बजे में। यहाँ पे आपने लंच में ऑड डेज में लेना है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रोटी, जो बनी होगी गेहूं के आटे की। या तो आप ले सकते हैं एक रोटी या आप ले सकते हैं मुट्ठी भर चावल। इन दोनों के साथ में आपको अलाउड है 1 कटोरी दाल, कोई भी जो आपके घर में बनी हो, मम्मी को तंग करना नॉट अलाउड। साथ में आप लेंगे कोई भी एक हरी सब्जी, मम्मी को नखरे नहीं दिखाने, घिया तोरी टिंडा जो भी घर में बना है, कोई भी एक सब्जी कम तेल में बनी हुई कटोरी भर के आपने खानी है।
आप ले सकते हैं रोटी या चावल, साथ में आप ले सकते हैं एक कटोरी दाल, साथ में आप ले सकते हैं हरी सब्जी और थोड़ा सा सलाद। इतना ही आपने खाना है, अच्छे से पेट भर के खाइए। आगे आइए, मैं दिखाती हूँ आपको कि इवन डेज पे आप क्या क्या खा सकते हैं। इवन डेज यानी कि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हम रख ले हैं अपने लंच को थोड़ा सा हल्का ही। हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे चाट, टिक्की, कबाब, किस चीज़ के बने हुए, पल्सेस के नहीं, लेग्यूम्स के। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे राजमा, छोले, लोबिया, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को इनकी अच्छी सी चाट या फिर कोई ऐसी चटपटी सी टिक्की बनाने में, जिसमें जो आपकी लेग्यूम है यानी कि राजमा, इसको उबालने के बाद जो क्वांटिटी हम इस्तेमाल करेंगे कम से कम 50 ग्राम, और इसके साथ डालेंगे खूब सारी सब्जियां, मसाले, इसको चटपटा बनाएंगे या फिर इसको टिक्की की शेप देंगे या फिर कबाब की। साथ में ऐड कर सकते हैं थोड़ा बहुत पनीर और प्लेट भर के सैलेड के साथ खाएंगे। रोटी और चावल नॉट अलाउड। अगर आपको ये सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज चाहिए तो आ जाइएगा मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। आगे आगे बढ़ते हैं देखने के लिए कि लंच तो कर लिया, इसके बाद क्या है। अब आता है समय शाम की चाय का। ऑड डेज यानी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे हम क्या क्या ले सकते हैं शाम की चाय में। यहाँ पर आप ऑड डेज पे ले सकते हैं सोक्ड नट्स। यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ 4 भीगे हुए बादाम, साथ में 2 काजू, आप चाहें तो 4-5 पीसेस किशमिश के भी भिगो के खा सकते हैं, और अगर आपका मन करता है तो एक खजूर भी ऐड कर दीजिए। इससे आपकी बॉडी को अच्छी खासी एनर्जी बनी रहेगी पूरे दिन में। दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ चॉकलेट बर्फी का, जो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनाई गई है, और ये वाली रेसिपी भी आपको मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या फिर फेसबुक पेज पे, जिसमें एक बर्फी में है सिर्फ 15 कैलोरीज। तो आप चाहें तो 2 बर्फी तक ले सकते हैं। शाम की चाय भी आपको अलाउड है, लेकिन चीनी नॉट अलाउड। शाम की चाय की चुस्कियां जब आप लेंगे अपने इवन डेज पे यानी कि ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे पे, तब आपने लेना है मखाना। मुट्ठी भर रोस्टेड मखाना आपको अलाउड है, जिसमें एक छोटा चम्मच डाला गया है घी, और नमक बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ अच्छे से फ्रेशली पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करना है आपने। इस तरह से आपने मखाने को बनाना है और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट आएगा। आइए आगे आगे बढ़ते हैं, देखते दिन में और क्या क्या है। अब शाम की चाय तो ले ली है 4 और 5 के बीच में, फिर भी 2 से 3 घंटे में भूख लग ही जाती है, यानी कि 7 और 8 बजे के बीच में। तो प्लीज अपने घर में चिप्स, फ्राइज, ये सारी चीजें मत लेके आइए। इस एक महीने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस बरतेंगे अपने साथ में। तो ऑड डेज पे हम लेंगे शाम के खाने में यानी कि डिनर में अपने लिए पनीर टिक्का या फिर सोयाबीन का टिक्का, या फिर उसकी हम टिक्की बना के भी ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और मजेदार रेसिपी है। जल्दी से ये मेरे किचन में, मैं दिखाती हूँ इस पनीर टिक्का की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 छोटा चम्मच तेल। अब हम इसकी मैरिनेशन रेडी कर रहे हैं पनीर टिक्का की, जिसमें हमने डाला है लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 या 1.5 चम्मच दही, जो कि घर का ही बना हुआ है स्किम्ड यानी कि टोन मिल्क से, और अब डालेंगे इसके अंदर पनीर की क्यूब्स। पनीर की क्यूब्स के साथ साथ हम डाल रहे हैं यहाँ पे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, सभी हमने बाइट साइज में काट लिया है। इसको मैरिनेशन करने के लिए रख देंगे। 1 से 1.5 घंटा काफ़ी है। अब मेरे पास कोयला नहीं था इसको वो कोयले वाला फ्लेवर देने के लिए, तो मैंने यहाँ पे दालचीनी की स्टिक को अच्छे से जला के इसको डाल दिया कटोरी में, और चुटकी भर डाल दिया ऊपर से घी। अब इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेक्स्चर, फ्लेवर आ चुका है। इसको अब पिरोने का समय आ गया है स्टिक्स में। ये देखिए कितना ज्यादा बढ़िया और कलरफुल लग रहा है। ये एक बहुत ही हाई प्रोटीन और फिलिंग ऑप्शन है, जिसके अंदर फाइबर की मात्रा भी भरपूर है। आप देख सकते हैं ये कितना टेस्टी लग रहा है। 2 या 3 स्टिक्स तक आपको अलाउड है डिनर में। अब ऑड डेज पे इतना मजेदार खाना खाया है, पता नहीं इवन डेज पे क्या मिलेगा भी या नहीं कुछ खाने को। आपको मैं दे रही हूँ बड़ा ही शानदार एप्पल एंड ड्राई फ्रूट स्मूदी की रेसिपी। इसको अगर आपने एक बार ले लिया तो मेरी गारंटी है आप और कुछ खाना पसंद करेंगे ही नहीं। इसी से आपका पेट भी भर जाएगा, मन भी भर जाएगा, और तो और बेहद अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे अगले दिन सुबह। जल्दी से आइए मेरे किचन में ये वाली रेसिपी देखते हैं।
आइए बनाना शुरू करते हैं एप्पल और ड्राई फ्रूट्स की स्मूदी। इसके लिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को भिगो के रखेंगे। यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स की मात्रा ले रही हूँ 4 से 5 बादाम जो कि छिलके के साथ हैं। फिर मैं ले रही हूँ 2 काजू के पीसेस और 1 खजूर बिना किसी बीज के। अब हमने इसको गर्म गुनगुने दूध के अंदर कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखा है। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए, फिर हम इसे ट्रांसफर कर देंगे एक जार में जिसमें हम इसको ब्लेंड करेंगे। फिर हम मीडियम साइज का एप्पल लेंगे, उसको छिलके के साथ डाल सकते हैं या बिना छिलके के। थोड़ा सा दूध और डालेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ये जो स्मूदी बनकर आई है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और फिलिंग है। दूध का इस्तेमाल वही करना है जो कि डबल टोन्ड हो या फिर लो फैट हो। फुल फैट दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ऊपर से सजाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं चंद दाने पिस्ते के। अगर आपने पूरा महीना नहीं सिर्फ 15 दिन भी इस प्लान को फॉलो कर लिया तो आप हैं विनर, क्योंकि आपको बेहद अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। एकदम फ्लैट स्टमक, बहुत ही अच्छी लीन बॉडी मिल जाएगी। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इस डाइट प्लान का कितना फायदा हुआ। मुझे इंतजार रहेगा जानने के लिए कि किसने कितने किलो कम करा है सिर्फ महज 15 दिनों में ही। आपको याद होगा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था सुबह से लेकर रात तक का पूरे दिन का ब्यौरा दूंगी मैं। मॉर्निंग ड्रिंक तो मैंने आपको बता दी, नाइट ड्रिंक का क्या, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो सोते सोते भी आपके सिस्टम को डाइजेशन में हेल्प करती है, आपके खाने को पचाने में मदद करती है और तो और सुबह आपको अच्छे से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में मदद करती है, खास करके वेट लॉस से रिलेटेड। मेरी चहेती नाइट ड्रिंक मैं आपके साथ कैसे ना शेयर करूं। इसके लिए आपने लेना है सिर्फ तेज पत्ता। 2 पीसेस तेज पत्ता को लेंगे, पानी में अच्छे से डालेंगे और इसको उबलने देंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से उबल जाएगा तो पानी को छान के और फिर आपने पीना है। सिप करके पीजिएगा, हल्का गुनगुना गर्म करके, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अपने रात के खाने में और सोने में कम से कम 3 घंटे का गैप रखिए। अगर आपने खाना 7 बजे खाया है तो 10 और 10:30 तक सो जाइए, नहीं तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता क्रेविंग्स होने से। तो आपको क्रेविंग्स ना हो ये नाइट ड्रिंक लीजिए और आधे घंटे तक सो जाइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आज का डाइट प्लान आपको बेहद पसंद आया होगा। इसको अच्छे से फॉलो भी करेंगे, रिजल्ट्स भी पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं मिलूंगी आपको और बड़े सारे एक्साइटिंग वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।